हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, पेटूनिया का मौसम जाने लगा है और पेटूनिया के फूल मुरझाने लगे हैं और इनपे सीड पॉट बनने लगे हैं। तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए सीड कलेक्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर किया जाए। मैंने कल भी काफ़ी सीड कलेक्ट किए थे, ये इस देसी पेटूनिया के सीड हैं। और इन्हें रखने के लिए मैंने यूज़ किया ये होम्योपैथी की मेडिसिन रखने की शीशी जो मिलती है, ये 2 रुपए की एक मिलती है मार्केट में। तो आप इसमें रखेंगे तो बहुत सेफ़ रहेगी, क्योंकि ये एयरटाइट भी होती है और इसके अंदर सीड बड़े सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सीड कैसे बनते हैं पेटूनिया पर और वो किस तरह आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा ले लीजिए इस तरीके का, और ये बहुत ज़रूरी है पेपर का टुकड़ा, आप डायरेक्ट कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको पेपर के टुकड़े पर लेने होंगे। देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर कई सीड पॉट मुझे तैयार दिख रहे हैं, ये रहा, मैं इसे तोड़ लेता हूँ। देखिए ये मैंने तोड़ लिया है, देखिए ये खुल चुका है इसका मुँह और इसके अंदर भरे हुए हैं सीड। अब इन सीडों को मैं ले लेता हूँ इस पेपर पर, अब देख पा रहे होंगे, देखिए कितने सारे सीड थे इसके अंदर, काफ़ी निकल भी गए क्योंकि इतने कम नहीं होते इसके अंदर, एक के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए ये इसके अंदर निकले हैं, लेकिन ये कम है, मैं वो तोड़ता हूँ सीड पॉट और उनके अंदर में और सीड होंगे, काफ़ी लग रहे हैं। देखिए ये एक बंद है, यहाँ पर सामने ही दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड, ये वाला जो है ये बंद है और ये तैयार भी है, तो इसे तोड़ लेते हैं। पत्तों पर हर तरफ सीड बिखरे हुए हैं क्योंकि ये फट फट कर बिखर जाते हैं, पत्ते इस मौसम में चिपचिपे हो जाते हैं, शायद वो सीड को रोकने के लिए ही चिपचिपे होते हैं। अब आप इसे देखिएगा इसमें से कितने सारे सीड निकलेंगे, क्योंकि ये कभी पूरा खुला नहीं था और इसे हम खोलेंगे। इसमें से भी बहुत ज़्यादा सीड नहीं निकले, शायद कम ही सीड रहे होंगे इसमें। चलिए सीड तो मिल ही रहे हैं, कम ज़्यादा की तो कोई इशू नहीं है। कुछ और तैयार है, मैं तोड़ता हूँ उनते हैं और उनसे भी सीड निकालता हूँ। ओह इसमें काफ़ी थे सीड, देखिए कितने सीड परस रहे हैं, सीडी सीड आ रहे हैं, वो बिल्कुल बारीक है सीड, इतना बारीक है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी बारीक तो किसी चीज़ की उपमा भी नहीं दे सकते आपकी कोई चीज़ होती है, बेहद महीन सीड पेटूनिया के। थोड़ा करीब ले लेते हैं कैमरे को, फिर आप करीब से अच्छा देख पाएंगे। हाँ ठीक है, अब कैमरा करीब आ गया है, मैं उधर से सीड पॉट तोड़ते रहता हूँ प्लांट पर से और यहाँ पर सीड कलेक्ट करता रहता हूँ। पत्तों पर सीड काफ़ी चिपके हुए हैं क्योंकि पत्तों पर ये टूट टूट कर चिपक जाते हैं और पत्ते बहुत, देखिए ये सभी इसमें से निकाल लेते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये पीले हो जाते हैं और इनका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है या ये पूरा खुल जाता है मुंह, मुंह जितना खुल जाएगा उतने सीड गिर जाएंगे। देखिए मैं भी एक को आपको करीब से दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये इस तरीके का हो जाता है, ये हल्का ब्राउनिश हो जाता है और इसका मुँह थोड़ा खुल जाता है, इसके अंदर सीड हैं काफ़ी सारे, और जब हम इसे ऐसे करेंगे तो इसमें से ये सीड इस तरीके से बरसेंगे। ये हो गया, बहुत ही सीड बन गए हैं, नेक्स्ट डे मुझे सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे। ये सभी पेटूनिया मैंने सीड से ही उगाया था, आपको मैंने दिखाया भी था, इसके बारे में पूरी अपडेट भी किया था आपको, और काफ़ी अच्छा हुआ ये सीड से, तो सीड से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी कि पेटूनिया को सीड से उगाने में कोई दिक्कत है। नर्सरी से तो लाते हैं 10-15 रुपये का एक प्लांट मिलता है, वो बहुत महंगा पड़ता है, कितने लगाएंगे आप, 10 लगाएंगे 20 लगाएंगे, ये हज़ारों प्लांट मैंने लगा रखे हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी सारे सीड कलेक्ट कर लिए हैं। ये तो लंबा काम है, मैं करता रहूँगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ इसे शिफ्ट कैसे करना है। शिफ्ट करने के लिए आप इसे कागज़ के सेंटर में ले लीजिए और अपनी बोतल जो है आपके पास होम्योपैथी वाली, इसे खोल लेते हैं, खोल कर इसे खड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर बनाएंगे एक कोन टाइप में, इधर में बनेगा, उस साइड तो सही नहीं हो रहा है, पेपर यूज़ कर लिया मैंने इसे कई बार।
ठीक है, देखिए ये सीड भी गए अंदर। इसी तरीके से मैं बाकी सीड भी कलेक्ट कर लूँगा। और आपके यहाँ भी पेटूनिया के फूल आ रहे होंगे तो उनसे आप इस तरीके से सीड कलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप इजीली पेटूनिया के सीड उगा सकते हैं। ये हाइब्रिड के, हाइब्रिड पे कम सीड बनते हैं मैंने ये देखा है, जो नॉर्मल पेटूनिया के प्लांट होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा सीड बनते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी पेटूनिया के सीड बड़ी आसानी से कलेक्ट कर पाएंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।